मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम गुरु ऑफ एजुकेशन। टुडे इज आवर टॉपिक एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स, वी हैव डन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमारी जो रही थी सुपरलेटिव डिग्री रही थी स्टूडेंट्स, और पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री हमने परफेक्ट तरीके से की थी। तो आज हम सुपरलेटिव डिग्री करेंगे स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट। सुपरलेटिव डिग्री को स्टूडेंट ली गई उच्चतम अवस्था कहते हैं। इस तरह के लिए स्टूडेंट नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री इज यूज व्हेन वन पर्सन ऑफ थिंग इज अबाउट ऑल अदर्स इन द पर्टिकुलर क्वालिटी एंड क्वालिटी। ओके स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज व्हेन वन पर्सन और थिंग is above all others in the particular quality and quantity. Is that clear student? As this is superlative degree student, by just tallest more beautiful most beautiful most intelligent student. Superlative degree is used when one person or thing is used, thing is above all others in the particular quality and quantity. Is that clear student? कि किसी वर्ग में से, किसी ग्रुप में से एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहना। ओके स्टूडेंट, किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को उस वर्ग में से सर्वश्रेष्ठ कहना, इज दैट क्लियर? इज दैट सुपरलेटिव? ओके स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री में स्टूडेंट ईएसटी का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और मोस्ट का यूज किया है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे फॉर्मूला फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गार्ड प्लस मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस ईएसटी। Is that clear student? ये superlative degree का student formula, okay? ये superlative degree का formula होता है student, और इसी
फेज पर हम सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल्स बना सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? एग्जांपल्स जैसे वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट एग्जांपल अमिता इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। अमिता इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। ओके स्टूडेंट, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा स्टूडेंट कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाए। ओके स्टूडेंट, इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाए। अमिताभ इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। और मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि सुपरलेटिव डिग्री में ईएसडी का यूज होता है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का यूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब ये क्या है? बेस्ट है, इसमें ईएसडी का यूज है, लेकिन स्टूडेंट गुड इज पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट, एंड सुप नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री बेटर, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें गुड बेटर बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का यूज होता है, तो इसमें ईआर गिवन है, ये कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो बेस्ट ईएसडी का यूज हुआ है। तो ये कौन सी डिग्री होगी स्टूडेंट? सुपरलेटिव डिग्री, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास बट ही has particular quality। okay student, can he tallest? he is the tallest boy in his class। okay student, so ye kya ho gaya? superlative degree। superlative degree se pehle article the ka use kiya jata hai, already maine aapko bata diya hai ye kya hai, the superlative degree ka use hai। sorry, superlative degree se pehle article the ka use kiya jata hai। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी का यूज किया जाता है, तो ये क्या बन गया? टॉलेस्ट फिर बॉय इन हिज क्लास। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल group। okay, student, तो इसमें अब स्टूडेंट
कैसे आइडेंटिफाई होगा कि सुपरलेट डिग्री? तो स्टूडेंट मैंने ऑल्सो मतलब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपरलेट डिग्री से पहले किसका यूज होगा? मोस्ट सॉरी पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट ये, और पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट का यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट, और मोस्ट इंटेलिजेंट से पहले जो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री इससे पहले स्टूडेंट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वी कैन फाइंड इजली। ओके नेक्स्ट, कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये किस प्रकार से स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंप्लीट हुई। और फाइंड आउट करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है, और इसमें ईएसटी का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ प्लस में ईएसटी का यूज होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एक और आइडेंटिफाई कि किस प्रकार से पहचानेंगे, तो इसमें मोस्ट का यूज होता है स्टूडेंट, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। ओके स्टूडेंट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो सुपरलेटिव डिग्री होती है स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कॉल को चेंज करेंगे स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री में, कॉल इज पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री इज चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्टूडेंट ई आर का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के साथ। ओके स्टूडेंट, ई आर का यूज होता है और नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए स्टूडेंट and
तो स्टूडेंट दीज आर पॉजिटिव डिग्रीज. ओके स्टूडेंट, विच इज देन इनटू कंपैरेटिव डिग्री. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट क्या है? Wise or brave? Student, if E comes at the end of the positive degree, we can convert it into comparative degree. Okay, student. Adding by R. Wise. Superlative degree में change करेंगे student. Wisest. End of sorry student. End of the positive degree. AD by ST. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वी कैन चेंज इनटू सुपरलेटिव. Okay student, why is replaced in I and next adding by ER? Is that clear student? So ये जो positive degree student इसको change कर सकते हैं comparative degree. Next happiest. Okay student, end of the comparative degree student, sorry positive degree, why is replaced I and AD by EST? Okay student, the positive degree is changed into superlative degree. Is that clear student? Next, इसी प्रकार से सेम स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव डिग्री के एंड में अगर कॉन्सोनेंट गिवन है और उससे पहले अगर वोवल दिया हुआ है तो स्टूडेंट कॉन्सोनेंट को डबल टू टाइम्स लिखते हैं, टू टाइम्स लिखते हैं. ओके स्टूडेंट, बिगर बिगेस्ट. और स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर का यूज होता है. End of the positive. Is that clear student? Next, superlative degree बनाने के लिए EST का use किया जाए. Next, fact. Same. Double key. Next, ER. Fact. Student, much more and most.
Much is showing students quantity. Is that clear? क्या शो करता है? Quantity शो करता है. Much क्या शो करता है student? Quantity शो करता है. Is that clear student? We cannot count. Okay student. Next, many. Many is showing number. We can count. More. Next, most. Many is using for number. Is that clear, student? Next. Next student. Beautiful. Intelligent. Beautiful. Comparative degree में जो change करेंगे student इसे तो comparative degree बनाने के लिए more का use किया जाता है. तो more beautiful. सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे स्टूडेंट द मोस्ट का यूज किया जाता है. मोस्ट ब्यूटीफुल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे स्टूडेंट तो मोर का यूज होगा. मोर इंटेलिजेंट. Most intelligent. Is that clear, student? तो इस प्रकार से student positive degree को comparative degree में और फिर उसके बाद superlative degree में change कर सकते हैं. Okay, student? तो इस प्रकार से student ये जो हमारा adjective of degree है टॉपिक वो कंप्लीट होता है. और नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा नंबर. स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट वो कंप्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट एडजेक्टिव ऑफ डिग्री की. ओके स्टूडेंट और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो नंबर. नंबर को स्टूडेंट हिंदी में वचन कहते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इट हैज टू टाइप्स. First, singular number. जिसे एक वचन कहते हैं स्टूडेंट. एक वचन. Next, plural. जिसे बहुवचन कहते हैं. स्टूडेंट नंबर को हिंदी में स्टूडेंट वचन कहते हैं. और इट हैज टू टाइप्स ऑफ नंबर. फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकंड प्लूरल नंबर. ओके स्टूडेंट सिंगुलर नंबर को एकवचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं.
सिमिलर नंबर एक वचन नाउ इज सिमिलर नंबर व्हेन नाउ इज सिमिलर नंबर व्हेन वन पर्सन when it points out one person thing and सिमिलर नंबर क्या होता है स्टूडेंट कि नाउ इज सिमिलर नंबर व्हेन इट पॉइंट्स आउट वन पर्सन थी एंड एनी इज दैट क्लियर स्टूडेंट कि किसी भी एक व्यक्ति एक वस्तु या एक जानवर की तरफ संकेत करता है तो इट मींस इट इज कॉल्ड सिमिलर नंबर इज दैट क्लियर स्टूडेंट तो इसे क्या कहते हैं सिमिलर नंबर कहते हैं एक वचन कहते हैं कि इट मींस कि एक की तरफ संकेत करता है इट रेफर्स फॉर इट रेफर्स टू ओनली वन इज दैट क्लियर स्टूडेंट तो वन पर्सन थी एंड एनिमल केवल एक व्यक्ति एक वस्तु और एक जानवर के बारे में जो संकेत कर रहा है तो इट मींस इट इज कॉल्ड सिमिलर ओके एज जैसे dog another cat boy camel pigeon excellent is that clear student these are similar ओके स्टूडेंट दीज आर सिमिलर नंबर्स इज दैट क्लियर नेक्स्ट स्टूडेंट प्लूरल नंबर्स नेक्स्ट प्लूरल नंबर्स Thank you.